जैसा कि रॉल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं, आप वही बन जाते हैं जो आप दिन रात सोचते रहते हैं, इसलिए वही सोचे जो आप सच में करना चाहते हैं। ऑथर बताते हैं कि आपके नेगेटिव इमोशंस खराब या बेकार नहीं होते हैं, बल्कि हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऊंचाई पर पहुंचने से पहले आपको नीचे देखने की जरूरत होती है। एक बात तो तय है कि आपके विचार और इमोशंस आपका भविष्य तय करेंगे, क्योंकि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसलिए आपको अपने विचारों को ध्यान से चुनना है। खुद से नेगेटिव बोलने के बजाय खुद से कहें कि मैं खुश हूँ, मैं अपने सारे सपने पूरा कर सकता हूँ। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम मास्टर योर इमोशन बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे थीबॉट मॉरिस ने लिखा है। इस किताब से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के बारे में जानेंगे, जिससे आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी से अपने मन चाहे और बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपने नेगेटिव इमोशंस को दूर करना चाहते हैं, स्ट्रेस से डील करने में मदद चाहिए, तो हर तरह के नेगेटिव इमोशन से डील करने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। किताब में बताया गया है कि हमारे इमोशंस कैसे काम करते हैं और उन्हें इफेक्टिव ढंग से काम करने के लिए स्पेसिफिक टेक्निक को कैसे अप्लाई करें। आप सीखेंगे कि नेगेटिव इमोशन से कैसे डील किया जाए, ताकि आप एक खुशहाल और ज्यादा अच्छी जिंदगी जी सके। इस किताब में आप सीखेंगे अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करने का आसान फॉर्मूला, ताकि आप ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस को महसूस कर सकें। नेगेटिव इमोशन से डील करने के लिए आसान स्ट्रेटजीज, अपनी जिंदगी में बेहतर कंट्रोल पाने के लिए अपनी कहानी को कैसे बदलें, अपने इंडिविजुअल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए अपने इमोशंस का कैसे इस्तेमाल करें, मास्टर योर इमोशंस और भी बहुत सारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस से भरी हुई है, जो आपके इमोशंस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। इसलिए अगर आप नेगेटिव इमोशंस को दूर करना चाहते हैं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहते हैं और ज्यादा पॉजिटिव और पीसफुल जिंदगी जीना चाहते हैं, तो ये किताब आपकी बहुत मदद करेगी। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 15 चैप्टर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आप सभी के लिए एक स्पेशल दिवाली गिफ्ट है। उसके लिए वीडियो को एंड तक बहुत ध्यान से जरूर देखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपके इमोशंस को कैसे अफेक्ट करता है। हमारी जिंदगी में दिमाग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारा दिमाग जिंदा रहने में हमारी मदद करता है, लेकिन हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने के लिए काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से हमारे दिमाग ने खतरे का पता लगाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। दिमाग ज्यादातर नेगेटिव चीजों पर भरोसा करता है कि कुछ बुरा हो सकता है। ये सब रिजेक्शन के डर से होता है। लोग ठुकराए जाने के डर से अक्सर कुछ अच्छा शुरू ही नहीं करते। इस तरह की सोच की वजह से वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। इससे डील करने के लिए आपको हर चीज के पॉजिटिव साइड को भी देखना होगा, ताकि आप बेमतलब की चिंता और नेगेटिव सोच से बच सके। हमारे दिमाग का पहला काम हमें सिक्योर करना है, लेकिन आपको खुश और सुरक्षित रहने के लिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा। दूसरा काम डोपामाइन रिलीज करना है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जो आपके दिमाग के स्पेसिफिक एरियाज में फैलकर आपको खुशी दिलाता है। ये जुआ खेलते, लव मेकिंग करते या अच्छा खाना खाते और एक्सरसाइज करते समय होता है। आजकल इन चीजों को लोगों ने लत बना ली है, जिससे वो सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सच में खुश रहने के लिए और नेगेटिव चीजों को दूर करने के लिए आपको अपने इमोशंस को काबू करके अपनी लत से छुटकारा पाना होगा। अपनी उन चीजों को लिख लें जो आपको कुछ समय की खुशी देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक होती हैं, जैसे पॉन, सिगरेट, ड्रिंक आदि। अब उन्हें दूर करने के लिए जरूरी एक्शंस लें। अब तक आप समझ गए होंगे कि किस तरह आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपके इमोशंस पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है और आपको ज्यादा खुश होने से रोकता है। आइए अब हम ईगो के बारे में जानते हैं कि ये कैसे आपके इमोशंस को इन्फ्लुएंस करती है। ईगो क्या है? ईगो अपने आप को प्राइड महसूस करवाने वाली फीलिंग है। आप हमेशा अपना ईगो खुद ही बनाते हैं, और ईगो ना तो अच्छा है और ना ही बुरा। ये सेल्फ अवेयरनेस की कमी का नतीजा होता है। जैसे जैसे आप अवेयर होते जाते हैं, ईगो दूर हो जाता है। आपका ईगो चाहता है कि आप कोई महान काम करें और बदले में कुछ अच्छा हासिल करें, ताकि आप अपनी पहचान बना सकें। इसका फायदा कई कंपनीज भी उठाती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि लोग सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने के बजाय उनसे जुड़े इमोशंस को खरीदते हैं। मतलब वो शांत रहते हुए अपने स्टेटस को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो इमोशंस को रिलेट करके अपने एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं। किसी की जरूरत का एहसास करना भी ईगो की वजह से होता है। मतलब जब आपको पता चलता है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, तो आप अपनी कंपनी का मजा लेते हैं और उनसे कुछ लेने की उम्मीद करने के बजाय उन्हें वैसे ही देखते हैं जैसे कि वो हैं। आपके ज्यादातर इमोशंस आपकी जिंदगी और आपकी दुनिया को देखने के तरीके पर बेस्ड होते हैं। जैसे जैसे आप अपनी सिचुएशन को एक ज्यादा मजबूत सिचुएशन के साथ बदलते हैं, उसी समय चीजों, लोगों या विचारों की तरफ अपने लगाव को छोड़ते हुए
आप ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस को महसूस कर सकेंगे। ईगो कभी सेटिस्फाइड नहीं होती है, ये हमेशा ज्यादा चाहती है, ज्यादा फेम, ज्यादा रिस्पेक्ट, ज्यादा पहचान, जिससे आप कभी भी इमोशनली स्ट्रांग नहीं बन पाते। अपनी ईगो को खत्म करके इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए आपको अपने डाउट्स के जवाब देने के लिए समय निकालना होगा, क्योंकि जब आप अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर देंगे तो आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे और इमोशनली शांत रह पाएंगे। इमोशंस का नेचर, हमारे इमोशंस हर पल बदलते रहते हैं, कभी आप खुश होंगे और कभी दुखी, लेकिन आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप हर समय खुश रहने की उम्मीद करते हैं तो आप फेलियर के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हमारे इमोशंस बदलते रहते हैं, इसलिए आप कभी खुश रहेंगे तो कभी थोड़े उदास, ये होना नेचुरल है। ऑथर बताते हैं कि आपके नेगेटिव इमोशंस खराब या बेकार नहीं होते हैं, बल्कि हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऊंचाई पर पहुंचने से पहले आपको नीचे देखने की जरूरत होती है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे मजबूत लोग भी कभी कभी उदास हो जाते हैं। एलन मस्क ने कभी नहीं सोचा था कि वो मेंटली टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ और वो उससे बाहर भी निकले। ठीक इसी तरह नेगेटिव इमोशंस अक्सर एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमारी मदद करते हैं। अगर आप देख सकें और समझ सकें तो वो आपको अपने बारे में कुछ पॉजिटिव सीखने में मदद करते हैं। आपके इमोशंस आपको कमजोर नहीं करते, बल्कि आपको मुसीबत से लड़ने में मदद करते हैं। आपको बस उन चीजों को दूर करना है जो आपको उदास कर रही हैं, और उन पर ज्यादा ध्यान देना है जो आपको मजबूत और खुश करती हैं। फिर आप अपने इमोशंस को पॉजिटिव तरीके से महसूस कर सकेंगे। इसलिए जब आप नेगेटिव इमोशंस को महसूस करते हैं तो उस पर ध्यान दें। इससे आपको पता चल जाएगा कि परेशानी क्या है। ऐसे में आपको तय करना है कि आप कोई गलत कदम उठाना चाहते हैं या शांत होकर सही फैसले लेना चाहते हैं। इस तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आप हर दिक्कत का सामना कर सकते हैं और उसके पॉजिटिव इमोशन को महसूस कर सकते हैं। ये सब हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने वाले कंपोनेंट्स के कारण होता है, जिसे हम अगले चैप्टर में जानेंगे। आपके मूड पर नींद का इम्पैक्ट। हमारे इमोशन मजबूत होते हैं और ये हमारी लाइफ को कई तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं, क्या करते हैं, दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, ये सब आपके इमोशंस पर डिपेंड करता है। और बहुत से इमोशंस को आप खुद पैदा करते हैं, जिनमें नींद की कमी नेगेटिव भावना की वजह है। नींद की कमी मूड को काफी हद तक अफेक्ट करती है, जिसमें आप गुस्सा, उदास, चिड़चिड़ेपन के नेगेटिव इमोशन को महसूस करते हैं। नींद की कमी से मरने का खतरा भी बढ़ जाता है। रिसर्च में पाया गया है कि रात में 6 घंटे से कम सोने वाले लोगों में 7 से 9 घंटे के बीच सोने वाले लोगों की तुलना में 13% मरने का खतरा ज्यादा होता है। अगर आप भी सिर्फ 6 घंटे से कम सोते हैं तो जल्द से जल्द इन तरीकों का इस्तेमाल करके अपनी नींद में सुधार करें। अपने सोने के कमरे में गहरे रंग से पेंट करें, क्योंकि कई रिसर्च से पता चलता है कमरा जितने गहरे रंग का होगा नींद उतनी ही अच्छी आती है। आप पर्दों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेट नाइट में इलेक्ट्रॉनिक टूल के इस्तेमाल से बचें, जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, टीवी आदि। स्लीप फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हमारे छोटे इलेक्ट्रॉनिक टूल्स भी दिमाग के बैलेंस को बिगाड़ने और ज्यादा देर तक जागने को बढ़ावा देते हैं। अपने दिमाग को आराम दें। सोते समय किसी काम के बारे में ना सोचें। बिस्तर पर जाने से 2 घंटे पहले बहुत ज्यादा पानी ना पिएं। अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए अपनी बॉडी का इस्तेमाल करें। जैसा कि एमी कैडी कहती हैं, हमारा शरीर हमारे दिमाग को बदल देता है, हमारा दिमाग हमारे बिहेवियर को और हमारा बिहेवियर हमारे रिजल्ट को बदल देता है। इसी तरह अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने शरीर के पोस्चर को बदलकर जब आप कॉन्फिडेंट या खुश होते हैं तो आप अपने शरीर को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, जिससे खुशी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। अपने एक एक्सपेरिमेंट में एमी कैडी ने बताया कि जिन पार्टिसिपेंट्स ने सिर्फ 2 मिनट के लिए एक हाई पावर पोस्चर को अपनाया, उनमें कॉन्फिडेंस और पावरफुल लोगों के लक्षण नजर आए। उन्होंने हार्मोनल चेंजेस पर ध्यान दिया। 2 मिनट के हाई पावर पोज अपनाने के बाद टेस्टोस्टेरोन की 25% बढ़ोतरी हुई, कॉर्टिसोल में 10% की कमी हुई, और 2 मिनट के लो पावर पोज को अपनाने के बाद टेस्टोस्टेरोन की 10% की कमी, कॉर्टिसोल में 15% की बढ़ोतरी हुई। इससे ये साफ पता चलता है कि आप सिर्फ अपने पोस्चर और अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को बदलकर अपने महसूस करने के तरीके को बदल सकते हैं। खुद से नेगेटिव बोलने के बजाय खुद से कहें कि मैं खुश हूँ, मैं अपने सारे सपने पूरा कर सकता हूँ। इसी तरह पॉजिटिव होकर सच में आप खुश भी हो सकते हैं। साथ ही अगर आप रोजाना वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी के साथ आपका मूड भी अच्छा होता है। इसलिए हर रोज कम से कम 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक का वर्कआउट जरूर करें। अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए अपने विचारों का इस्तेमाल करें। जैसा कि रॉल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं, आप वही बन जाते हैं जो आप दिन रात सोचते रहते हैं, इसलिए वही सोचें जो आप सच में करना चाहते हैं। इसके लिए मेडिटेशन का इस्तेमाल करें। पूरी तरह से रोजाना मेडिटेशन करने से आप अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट या खुशी जैसे पॉजिटिव इमोशंस के साथ जीने के लिए विजुअलाइजेशन करें।
इससे आप अपने दिमाग को ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस का एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार कर पाएंगे, ताकि ये ऑटोमेटिकली आपकी मनचाही चीजों और फीलिंग को आपकी तरफ अट्रैक्ट करे। इमोशंस को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इस वीडियो के अलावा मास्टर योर इमोशन बुक समरी को कुकू एफएम पर भी सुन सकते हैं। इससे हम जानेंगे कि नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस कैसे काम करते हैं। ये समझना ही हमारा पहला कदम है। यहाँ हम बहुत सारे ऐसे स्टेप्स जानेंगे जिसके चलते हम अपने इमोशंस को कंट्रोल और मास्टर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अब आप सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि दुनिया की बेस्ट किताबों को अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में भी सुन सकते हैं। इससे आपको वो नॉलेज मिलेगी जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये सब कुछ कुकू एफएम ऐप पर, और हाँ, इस दिवाली पर पाएं कुकू एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% डिस्काउंट और इसके साथ साथ 10 लाख तक के गिफ्ट जीतने का मौका, जिसमें आप कार, गोल्ड कॉइन्स और वाउचर भी जीत सकते हैं। तो अभी डाउनलोड करें कुकू एफएम ऐप, यूज कीजिए कूपन कोड दिवाली 50 और बनाएं ये दिवाली कामयाबी वाली। ये ऑफर सिर्फ 25 अक्टूबर तक ही वैलिड है। अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करना। आपके शब्दों का आपकी सोच और बिहेवियर पर उतना ही इफेक्ट पड़ता है जितना आपकी फीलिंग का आपकी जिंदगी पर, क्योंकि आपके विचार, शब्द और बिहेवियर आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब आप अनसर्टेनिटी के साथ कोई काम करते हैं तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और इसके अपोजिट जब आप पक्के इरादे के साथ कुछ करते हैं तो कॉन्फिडेंस और ध्यान बढ़ जाता है, जिससे रिजल्ट में फर्क दिखाई देता है। इसलिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए खुद पर भरोसा करें और पक्के इरादे से फैसले लें। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए खुद पर डाउट करने वाले शब्दों को उन शब्दों के साथ बदल दें जिन्हें बोलने से आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। इसलिए इन शब्दों को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करें। हो सकता है, शायद हो सकता है, अगर सब कुछ ठीक हो जाता है, इसके बजाय इन शब्दों का इस्तेमाल करें। मैं करूंगा, मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल, बेशक, जरूर। इसी तरह पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करके अपने इमोशन को इन्फ्लुएंस करें। आपकी सांसें इमोशंस को कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं? आप खाना खाए बिना 2 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना आप कुछ मिनटों तक भी जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन बहुत से लोग ये भी नहीं जानते कि ठीक से सांस कैसे ली जाए, इसलिए वो नेगेटिव इमोशंस में फंस जाते हैं। सही तरीके से सांस लेने से आपको अलग अलग तरीकों से फायदा होता है। सांस को धीमा करने से चिंता को कम करने में मदद मिलती है। ब्रीद वॉक, ब्रीदिंग योर वे टू अ रिवाइटलाइज्ड बॉडी में गुरुचरण सिंह खालसा और योगी भजन ने धीमी सांस लेने के कई फायदों को बताया है। हर मिनट में 8 बार सांस की साइकिल स्ट्रेस से राहत और जागरूकता को बढ़ाती है। हर मिनट में 4 बार सांस की साइकिल से जागरूकता के तेज इमोशंस को बढ़ाते हैं। हर मिनट में 1 सांस की साइकिल से दिमाग से चिंता और डर शांत हो जाता है। सांस लेने के फायदों के बारे में प्रैक्टिकली समझने और अपना मूड बदलने के लिए सांस लेने के इन तरीकों को इम्प्लीमेंट करें। इसी तरह आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकेंगे। अब आपने इमोशन को इन्फ्लुएंस करने वाले तरीकों को जान लिया है। जब आप अपने इमोशन को इन्फ्लुएंस करना सीख जाते हैं तो इमोशंस को कंट्रोल करना भी आसान हो जाता है। अब हम जानेंगे कि अपने इमोशन को कैसे बदला जाए। अपने इमोशंस को कैसे बदलें? इमोशंस को बदलने के लिए आपको जानना होगा कि इमोशंस कैसे बनते हैं। जितना ज्यादा आप अपने मन से दुखी होंगे, उतना ही ज्यादा आप असल में दुख महसूस करेंगे। आप जितना ज्यादा सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं, उतना ही ज्यादा आप दर्द को कम महसूस करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे इमोशंस कैसे बनते हैं। इमोशंस 2 तरह के होते हैं। पहले वो जिन्हें आप बिना मतलब के इमेजिनेशन से बनाते हैं। दूसरे इमोशंस वो हैं जो आप सोचकर और पहचानकर अपने मन में पैदा करते हैं। मतलब एक ही विचार के बार बार आने से वो मजबूत इमोशन बन जाते हैं। और जब भी आप किसी चीज के बारे में कम सोचने लगते हैं तो आपके इमोशन कमजोर होने लगते हैं। इसी तरह आपके इमोशंस बनते और बदलते रहते हैं। याद रहे, लोग आपको आपके इमोशन से ही पहचानते हैं, क्योंकि आप इन्हीं के जरिए बिहेव करते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव इमोशंस बनाएं और आप लोगों के सामने अच्छा बिहेव कर पाएंगे। ऐसा करने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। अतीत के नेगेटिव इमोशंस पर ध्यान ना दें, बल्कि पॉजिटिव इंसिडेंट को याद करें। आज में आपको खुशी और पॉजिटिविटी में सपोर्ट करने वाली फीलिंग्स को अपनाएं। अपनी फीलिंग्स को जाने दें। एक बात तो तय है कि आपके विचार और इमोशंस आपका भविष्य तय करेंगे, क्योंकि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसलिए आपको अपने विचारों को ध्यान से चुनना है। इससे आप अच्छे विचारों के साथ अपने दिमाग को पॉजिटिव महसूस करने में सक्सेसफुल हो सकेंगे। सबकी जिंदगी में छोटी बड़ी यादें होती हैं, इसलिए अभी उस याद को सोचें जिससे आपको खुशी मिल रही है। और जब भी आपको बुरा महसूस हो, तब उस अच्छी याद को सोचकर अपने बुरे इमोशंस को दूर करें। अपने नेगेटिव इमोशंस को दूर करने के लिए इन जरूरी स्टेप्स को आजमाएं। एक इमोशन पर ध्यान दें जिस पर आप काम करना चाहते हैं, ताकि आप बेहतर महसूस कर सकें। ये एक बड़ा इमोशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये काम करने का मन ना करना या किसी बात को लेकर हल्का सा नाराज हो जाना भी हो सकता है।
अपने आप से इनमें से कोई एक सवाल पूछें। क्या मैं इस इमोशन को जाने दे सकता हूँ? क्या मैं इस इमोशन को रोक सकता हूँ? क्या मैं इस इमोशन को अपना सकता हूँ? फिर अपने आप से पूछें, क्या मैं इस इमोशन को जाने दूं? क्या मैं इस इमोशन को रोक लूं? या क्या मैं इस इमोशन को अपना लूं? खुद की तरफ ईमानदार रहते हुए हर सवाल का जवाब हाँ या ना में दें। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप इमोशन को जाने दे सकते हैं, रोक सकते हैं या अपना सकते हैं? अगर आपको एक भी सवाल का जवाब नहीं में मिला है तो आप उस इमोशन को छोड़ सकेंगे। अपने आप से पूछें कब? आपका जवाब होगा अभी, तो उस इमोशन को तुरंत जाने दें। अब उस इमोशन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए इस प्रोसेस को जितनी बार हो सके उतनी बार दोहराएं। जब आप अपने इमोशन को जाने देने के लिए सही कदम उठाते हैं तो आप एक पूरी नई समझ हासिल करेंगे कि इमोशन कैसे काम करते हैं और उन्हें कैसे रिलीज किया जाए। अपने दिमाग को ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस को महसूस करने के लिए तैयार करें। हमने अब तक जाना कि इमोशन कैसे बनते हैं और हमने एक ऐसा प्रोसेस शुरू किया जिसका इस्तेमाल करके आप अपने नेगेटिव इमोशन को दूर कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि अपनी जिंदगी में पॉजिटिव इमोशन को ज्यादा तेजी से महसूस करने के लिए हमें अपने दिमाग को कैसे ऑर्गेनाइज करना होगा। हमारे पास इमेजिनेशन की पावर है जिससे हम अपने विचारों का इस्तेमाल चीजों को देखने और महसूस करने के लिए कर सकते हैं। मतलब जिन चीजों की आप कल्पना करते हैं उसे सच भी कर सकते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में उन चीजों की कल्पना करें जो आप पाना चाहते हैं, फिर महसूस करें कि उन चीजों का साथ होना आपके लिए कितना अच्छा है। जब आप किसी चीज की कीमत को जान लेते हैं तो उसे पाने के लिए जरूरी कदम उठाते हैं। इसलिए इसी तरह अच्छा सोचें और अच्छा अचीव करें। इसके साथ साथ इन एक्टिविटीज को भी करें। याद रखें कि पिछली बार आपने कब नेगेटिव महसूस किया था, उसे रिलेटेड इमोशन जो कुछ दिनों से ज्यादा समय तक आपके दिमाग में चले, अब सोचें कि आपने इसे दूर करने के लिए क्या स्पेशली किया था। फिर अपने आप से पूछें कि मैं अपने आप को कैसे बदल सकता था। मैंने इमोशन को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने के लिए कौन कौन से स्टेप लिए। अब उस तरह के एक्शन लेना शुरू करते हैं। नेगेटिव इमोशन से डील करने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका आपके मन पर कितना कंट्रोल है, क्योंकि आप कभी न कभी नेगेटिव इमोशन को जरूर महसूस करेंगे। इससे डील करने के लिए ऑथर ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बताए हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, अपने इमोशनल स्टेट को बदलें। जब भी आप किसी नेगेटिव फीलिंग को महसूस करते हैं तो उस पर ध्यान देने के बजाय खुद को डिस्ट्रैक्ट करें। आप किसी और चीज पर अपना ध्यान लगा सकते हैं, जैसे गाना सुनना, मूवी देखना, टहलना या चिल्लाना। अपने इमोशंस को बदलने के लिए हर जरूरी एक्शन लें। अपने नेगेटिव इमोशंस को लेकर अवेयर रहें और उन्हें किसी अपने से शेयर करें। थोड़ा आराम करें और महसूस करें कि आप कुछ अच्छा करने जा रही हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करें कि आखिर वो आपके सामने क्यों आ रहे हैं। उन्हें ऑब्जर्व करें और मेडिटेशन का इस्तेमाल करके पॉजिटिव इमोशंस को महसूस करें। अपनी जगह बदलें, जहां आप अच्छा महसूस करें वहां जाएं। रोजाना मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, अफर्मेशन दोहराएं, ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाएं, अच्छा खाएं, 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लें और आराम करें। अगर आपको फिर भी परेशानी होती है तो डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि ये डिप्रेशन हो सकता है। इमोशंस आपको सही दिशा में कैसे गाइड कर सकते हैं। हालांकि हमारे इमोशंस बदलते रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी जिंदगी में खास नहीं है। इमोशंस आपको अपनी जिंदगी को बदलने में बहुत जरूरी रोल प्ले करते हैं। अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको अपने इमोशंस की मदद लेनी होगी, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस आपकी मदद करेगा। सेल्फ अवेयरनेस के बिना आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी प्रॉब्लम को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आपको ये एहसास ना हो कि वो मौजूद है। सेल्फ अवेयरनेस आपको अपने विचारों, इमोशंस और बिहेवियर को बिना किसी भेदभाव के देखने में मदद करती है। इसलिए आप जो भी काम करते हैं उसकी तरफ अवेयर रहें। जब आप अवेयर रहेंगे तो इमोशंस को समझना आसान होगा और आप सही इमोशंस को अपनाकर अच्छे फैसले ले सकेंगे, जिससे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे ये भी तय किया जा सकेगा। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसका ख्याल रखना। अगर आप अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो खुद को दुनिया का सबसे जरूरी इंसान समझें और अपने लिए हर वो जरूरी चीज करें जिससे आप खुद को खुश रख सकते हैं। ज्यादातर लोग अपने इमोशंस को कम आंकते हैं कि इमोशंस इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकते। वो असल में कभी महसूस ही नहीं करते कि वो अपने इमोशंस का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं। इसलिए शायद वो अपनी छुपी हुई ताकत का अपने फेवर में यूज नहीं कर पाते। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि इमोशंस के बारे में इस तरह सोचें कि आपके पास हर सिचुएशन को सॉल्व करने की ताकत है, जिससे आप बहुत ही आसानी से सब कुछ बदल सकते हैं। ठीक इसी तरह जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो अपनी फीलिंग्स को वो बताएं जो आप चाहते हैं, ताकि वो उन चीजों, लोगों और सिचुएशन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सके और आप उसे हासिल कर सके। इसलिए अपनी डेली लाइफ में आप जिन इमोशंस को महसूस कर रहे हैं उन पर रोशनी डालने के लिए पूरे एक वीक की अपनी फीलिंग्स को रिकॉर्ड को देखें। ऐसा करने के लिए एक नोटबुक या डाउनलोड करने लायक वर्कशीट का इस्तेमाल करें।
आप आज कैसा महसूस करना चाहते हैं और पूरे दिन कैसा महसूस किया। इसे रिकॉर्ड करने के लिए हर दिन सुबह और शाम को कुछ मिनट लिखें और 1 से 10 के स्केल पर खुद को रेट करें। 1 मतलब सबसे बुरा महसूस किया और 10 मतलब आप सबसे अच्छा महसूस करना चाहते हैं। वीक के आखिर में अपने आप को टोटल मार्क्स दें और इन सवालों का जवाब दें। आपने किन पॉजिटिव इमोशंस को महसूस किया? आपने किन नेगेटिव इमोशंस को महसूस किया? इन इमोशंस का क्या कारण है? अच्छे इमोशंस को दोबारा फील करने के लिए क्या करना जरूरी है? नेगेटिव इमोशंस को अवॉइड करने के लिए किन विचारों और कामों को अवॉइड करना है? जवाब मिलने पर इम्प्रूवमेंट के साथ काम करें। इसके अलावा ऑथर कहते हैं कि साथ साथ कुल मिलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में सेल्फ रिस्पेक्ट का होना बहुत जरूरी है। इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए कॉन्शियस होने की कोशिश करें, खुद की जिम्मेदारी लें, अपने ऑब्जेक्टिव के साथ ईमानदारी और सच्चाई से रहने की कोशिश करें। जब आप इन चीजों को डेवलप कर लेंगे तो आप खुद की रिस्पेक्ट करेंगे और लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आप ऑटोमेटिकली अच्छा महसूस करेंगे। मोटिवेशन की कमी होना आमतौर पर एक सिग्नल है कि आपके पास आगे बढ़ने के लिए एक कंपेलिंग विजन नहीं है। अगर आप लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ज्यादा मोटिवेट रहना होगा। इसलिए ये ध्यान रखें कि आप रोजाना मोटिवेशन का फायदा उठाते हैं। आपको अपनी ताकत, पर्सनैलिटी और प्रेफरेंस का गहरा ज्ञान होना जरूरी है। मोटिवेट रहने के लिए इंस्पिरेशनल कहानियां पढ़ें, हमारी वीडियोस देखें और मोटिवेटेड लोगों के साथ रहें। जब भी आप किसी काम को पूरा करने में अटका हुआ महसूस करें तो इन स्टेप्स को फॉलो करें। उन सभी काम की एक लिस्ट बनाएं जिन्हें करने की जरूरत है। एक ऐसे काम की पहचान करें जिसे आप टाल रहे हैं, अब उस काम को पूरा करें। साथ ही अपने सक्सेस के बीच आने वाली रुकावट को दूर करने के लिए इन जरूरी स्टेप्स को फॉलो करें। उन सभी कामों या प्रोजेक्ट की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। उन्हें पूरा करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड करें। अगर किसी काम को करने के लिए ज्यादा टाइम की जरूरत हो तो ज्यादा टाइम लें, वरना अपना काम जल्द से जल्द पूरा करें। बड़े प्रोजेक्ट्स को करने के लिए अगले कुछ दिनों या हफ्तों में पूरा होने तक सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पर ध्यान दें। अपने कुछ प्रोजेक्ट को रीशेड्यूल करें या जो जरूरी ना होने छोड़ दें। इस तरह आप अपने टाइम पर अपने काम को पूरा कर सकेंगे और अपनी जिंदगी में पूरे मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ सकेंगे। आप इस किताब के पूरे प्रोसेस के जरिए आसानी से अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। याद रखें, आपके इमोशंस बदलते हैं और आप वही बनेंगे जो आप ज्यादा सोचते हैं। इसलिए बिना चिंता किए पॉजिटिव सोचें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। तो दोस्तों, इस किताब से हमने अपने इमोशंस की ताकत के बारे में जाना। हमारे इमोशंस बदलते रहते हैं, इसलिए अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने वाले तरीकों का इस्तेमाल करके हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही अपने इमोशंस को बदलने के लिए हेल्दी रहें, पॉजिटिव रहें और खुद पर भरोसा रखें। याद रखें, आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोचें और अपने इमोशंस पर कंट्रोल के साथ आगे बढ़ें। इसी के साथ जब आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो आप अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं और वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आपने किताब को अच्छे से समझ लिया होगा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ आप अभी डाउनलोड करें कोको FM और यूज करें कूपन कोड Diwali50। यही मौका है आपके लिए 10 लाख तक के गिफ्ट जीतने का। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।